हुकूमत की जानिब से जारी करदा बेशतर पुलिस मुलाजमतों में जनखों को भी मसावी मौके फराहम करने का मुतालबा किया गया। जनखों यानी थर्ड जेंडर के एक वफद ने आज दफ्तर DGP में पुलिस सिलेक्शन कमेटी के सदर नशीन से इस खसूस में मुलाकात की और जोर देते हुए कहा कि दरखास्त फॉर्म में मर्द और खवातीन का कॉलम है, तहम अदर्स का कॉलम नहीं है, इसमें कॉलम का इजाफा किया जाए ताकि उनको दरखास्त दाखिल करने में आसानी हो। बाद अज़ा इस वफद ने BRK भवन में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और वजीर दाखिला दाखिला सेक्रेटरी से मुलाकात की और उनको भी मेमोरेंडम हवाले किया। इस वफद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके लिए सिलेक्शन का तरीकेकार अलहदा बनना चाहिए क्योंकि मर्द या खवातीन की शक्ल में वो मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, इसीलिए उनके बारे में अलग से तरीकेकार बनाया जाए। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आठ साल पहले फैसला दिया था कि जनखों को मसावी हकूक दिए जाने चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम किरण राज है, मैं एक ट्रांस पुरुष हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ट्रांस महिलाएं मतलब एक पुरुष और स्त्री बनते हैं, ऐसे ही हम लोग स्त्री के रूप में पैदा होके अभी पुरुष बने हुए हैं। तो ये तो इस जो भी हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिक्रूटमेंट पुलिस रिक्रूटमेंट का जो इश्तहार दिया है उसमें हमारे लिए कोई भी प्रावधान नहीं है, इसीलिए इसके बारे में हम लोग अर्जी देने के लिए आए हैं कि हमको भी एक सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग से बननी चाहिए, क्योंकि हम लोग एक महिला के रूप में या एक पुरुष के रूप में हम लोग मतलब कॉम्पिटिशन में लड़ नहीं सकेंगे। इसलिए हमारे बारे में सोचो, हमारे बारे में एक अलग अच्छे से क्राइटेरिया बनाइए करके हम लोग सबसे निवेदन करते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम किरण राज है, मैं एक ट्रांस पुरुष हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ट्रांस महिलाएं मतलब एक पुरुष और स्त्री बनते हैं, ऐसे ही हम लोग